हेलो दोस्तों, समीदा खातून ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप ठीक हैं? हम ठीक हैं, आप ठीक रहिए। और कल जो मैं कपड़े की कटिंग की थी, वो कपड़े सिलाई करके और आज मैं बता रही हूँ। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारे बैग की मशीन है, तो इस पर बहुत मोटे मोटे सिलाई हो रहा था, तो इसको मैं प्लेट को और सुई को चेंज कर दिया हूँ। तो अब इस पे मैं कपड़े की सिलाई कर रही हूँ। अब अभी मैं कपड़े की सिलाई कर रही हूँ, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। तो मैं अस्तर पे मैं नेट बैठा रही हूँ। ये ऊपर से मैं नेट बैठा रही हूँ। ये अस्तर पे मैं नेट लगा रही हूँ। तो इस पे मैं नेट बैठा दूंगी तो ये अच्छा होगा। तो अभी मैं अस्तर बैठा ले रही हूँ। ये अस्तर पर नेट लगा रही हूँ। तो ये नेट लगा देंगे तो ये अच्छा हो जाएगा और इधर उधर नहीं घुकेगा। तो इसलिए मैं इस पे पहले नेट बैठा रही हूँ। ये पहले मैं नेट बैठा रही हूँ। ये देखिए, तो देखिए इस पे मैं नेट बैठा दिया हूँ। पहले अस्तर पे नेट बैठा दिया हूँ और इस पर बैठा करके, और जब फिर इस नीचे दावन मुरूंगी और पैपिन डालूँगी और फिर इसको ये नीचे के अस्तर का कोर मारूँगी। तो एक और है, तो एक तरफ का और लगा लेती हूँ। तो ये दूसरा वाला लगा रही हूँ। ये एक तरफ का लगा लिया हूँ। ये एक तरफ का बैठा लिए नेट और इसको साइड में रख दे रही हूँ, और ये दूसरा वाला लगा रही हूँ। तो इस पे भी बैठा रही हूँ। अब चैन का गला बना लेती हूँ। ये चैन का गला बना रही हूँ। दोस्तों मैं इसमें चैन लगा रही हूँ। अभी ये पीछे का गला है, तो पीछे के गला में मैं अभी चैन लगा रही हूँ। जो बटन लगाना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं तो अभी चैन लगा रही हूँ। तो अभी चैन लगा रही हूँ गला में। ये पीछे का गला है। और देखिए कितना बेहतरीन, कितना अच्छा लग रहा है। पीछे का सिर्फ गला लगा दिया हूँ तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ऐसे लगा दिया हूँ।
ये आगे का गला है, ये आगे का गोल गला बना रहे। तो गला का मैं जोड़ रही हूँ, ये तैयार हो गया हुआ है। तो अब मैं बाजू लगाऊंगी, ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया हुआ है। तो इसमें अब मैं बाजू लगाना बाकी है, तो अब इसमें मैं बाजू लगाऊंगी। अब इसमें बाजू लगाएंगे, अभी आस्तीन लगाएंगे इसमें। आस्तीन अभी नहीं तैयार किया हूँ और ये बिल्कुल तैयार हो गया हुआ है। देखिए ये इधर मैं चैन लगा दिया हूँ, ये चैन लगा दिया हूँ, पीछे बटन उटन नहीं लगाए हैं, चैन लगा दिए हैं। और इधर में ये सीधा गला है, गोल गला है सीधा। और ये बाजू, अब बाजू लगा दूंगी तो ये तैयार हो जाएगा। दोस्तों अभी मैं बाजू के नेट में पाइपिंग डाल रही हूँ, ये पाइपिंग लगा रही हूँ, ये पाइपिंग है। और ये पाइपिंग लगा करके बना रही हूँ। ये पाइपिंग है, लगा दिए हम पाइपिंग लगा दिए। ये हमारा हो गया, ये पाइपिंग लगाए हूँ नेट में, ये नेट में पाइपिंग लगाए हूँ। अब इसका हेना बाजू बनाऊंगी, आगे लगा करके इसमें आस्तीन में जोड़ूंगी। तो मैं इसको अभी चुन्नट बना रही हूँ, इसको चुन्नट बना रही हूँ। ये बाजू में लगाऊंगी, हेना बाजू है। तो इसको मैं ऐसे लगा दिया हूँ, ये नेट है। अब इस पर मैं अस्तर लगाऊंगी, नीचे इसमें अस्तर लगाऊंगी। ये बाजू बना दिया हूँ, है ना, जो डिजाइन अभी चल रहा है वो मैं बना दिया हूँ। तो ये मैं आस्तीन में अस्तर बैठा रही हूँ, ये बैठा दिया हूँ, ये देखिए। और एक ये है, इसमें बैठा दिया हूँ, आस्तीन में अस्तर लगा रही हूँ। तो मैं इसमें बाजू बैठा रही हूँ, इसमें मैं बाजू बैठा रही हूँ। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल भी। तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं डबल सिलाई मार रही हूँ, ये आस्तीन लगा दिया हूँ। तो ये जुड़ा गया हुआ है, ये मैं बैठा लिया हूँ, ये जुड़ा गया हुआ है, ये देखिए। तो अब इसको मैं फाइनल जुड़ाई करूँगी, ये देखिए लगाइए। ये हमारे दोनों तरफ का बाजू जुड़ा गया हुआ है, ये। तो मैं अब इसको ऐसे बैठाऊँगी, अब इसको उल्टा साइड से सिलाई करूंगी।
मैं इसका बाजू और ये साइड एक मरतबा मिला करके और सिलाई कर लेती हूँ, जोड़ लेती हूँ इसको, जोड़ लेती हूँ तो फिर आपको बतलाती हूँ। तो मैं इसका दोनों ये मार लिया हूँ, दोनों साइड मार दिए और इसका फिर मैं अब कोर मारूँगी और दोनों ये दोनों अस्थीन तरफ का दोनों को सिलाई करूँगी। तो ये लगा दिया हूँ, ये अस्थीन लगा दिए ऊपर से और ये देखिए ये बाजू भी लगा दिए और ये बगल भी मार दिए दोनों, और इसमें अब डबल सिलाई करके और इसमें पाइपिंग डालूँगी, इसमें पाइपिंग डाल दूँगी, फिर आपको मैं आगे दिखाती हूँ। तो इस दोनों दाबर में मैं पाइपिंग लगा दिया हूँ, ये देखिए दोनों तरफ लगा दिया हूँ ताकि अच्छा रहेगा और देखने में खूबसूरत भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा ये, और इधर में भी लगा दिया हूँ। तो देखिए ये देखिए ये पाइपिंग लगा दिया हूँ, ये यहाँ लहंगा के जैसे लग गया हुआ है पाइपिंग, ये लहंगा के जैसे लग गया हुआ है पाइपिंग, ये बहुत अच्छा लग रहा है देखिए। और ये बाजू बना दिया आस्तीन, ये देखिए, तो इसमें भी पाइपिंग लगा दिया हूँ, ये देखिए ये सिलाई हो गया हुआ है और इसमें भी पाइपिंग लगा दिया हूँ, ये भी अच्छा है देखने में, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए, और ये गला में चैन डाल दिया हूँ, ये चैन लगा दिया हूँ कुंडा, अब ये देखिए, और ये दोनों तरफ आस्तीन में लगा दिया हूँ, दोनों तरफ बगल में बाजू में दोनों तरफ लगाए हूँ। तो इसको मैं गोल दाबन काटी थी, तो गोल दाबन में ये बहुत नहीं सही आ रहा था, तो मैं इसको फिर सीधा काट दी, सीधा लगा दी हूँ, देखिए ये देखिए, और ये देखिए, और देखिए ये कितना बेहतरीन लग रहा है, और ये देखिए ये ऐसा लग रहा है, ये इसमें घेर दे दिया हूँ और इसमें अंदर आस्तीन डाले हुए हैं हाथ बाजू में, और ये देखिए आस्तीन डाल दिया हूँ, और ये देखिए पाइपिंग यहाँ लगाई बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारे बच्चे सबका भी पेपर चल रहा है, तो अभी ये मैं बना लिया हूँ और ईद के रोज़ अगर पहनाऊँगी तो फिर आपको मैं दिखला दूँगी, और आप हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहिएगा।